मनीष जी, अगर आप देखें, एक बात हमने की थी कि विपक्ष को जो सार्थक जो एक राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है वो ये नहीं है कि आप हर चीज में एक एंगल, धर्म का एंगल लगा दें और फिर सारी चीजों पर हाथ झाड़ लें, केवल और केवल एक एंगल दिखाया जाए। आखिर देश को इस तरीके की दिशा में ले जाने की क्या आवश्यकता है, क्यों इस तरीके के प्रयास होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल इस बार सरकार के सामने रहेगा। क्योंकि कोई भी सरकार का निर्णय वो किसी एक धर्म समुदाय को लेकर नहीं होता, चाहे सरकार कांग्रेस की है, बसपा की रही है, सपा की रही है, किसी की भी रही है। तो विपक्ष की बार भूमिका भी जो है वो एकदम सही दिशा में होनी चाहिए, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? और रोजगार कितना बड़ा अब की बार मुद्दा हो सकता है, उसे आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल संजय जी, जैसा आपने पहले ही अपने शुरुआत में कहा था कि विपक्ष जो है वो भ्रम की स्थिति में है। विपक्ष को यह तय करना होगा कि वो किस लाइन पर आकर सत्ता पक्ष को घेरेगा। भाजपा एक पूरा पैकेज देती है, जहां पर आपके लिए धर्म की भी चिंता है, जहां पर समाज की भी चिंता है, जहां पर लोगों के रोजगार की भी चिंता है, स्वास्थ्य की भी चिंता है, या एक नरेटिव सेट किया जाता है। वो ये सेट करते हैं कि केवल यहाँ पर मुस्लिम तुष्टिकरण ही नहीं चलेगा, अगर हिंदू हैं तो उनके लिए भी कोई आवाज है और खुलकर बोलते हैं, चाहे गिरिराज किशोर हो या और कोई हो, अगर दूसरी तरफ से वैसी की आवाज आती है तो यहाँ से भी आवाजें आती हैं जो पहले नहीं होता था। तो एक नरेटिव सेट किया जाता है, और विपक्ष को ये देखना होगा कि भाजपा की पिच पर आकर अगर खेलेगी, वो धर्म की पिच पर आकर खेलेगी, वो मुद्दे अगर छोड़ देगी। इस समय सीधे सीधे अगर सेंट्रलाइज होकर आप बात करेंगे तभी आप भाजपा को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि भाजपा का अपना टारगेट सेट है 2024 के लिए पूरी रणनीति। जैसा अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया कि सरकार हड़बड़ी में है, जल्दी में, ये जल्दी नहीं है, 2024 को लेकर एक पूरी तैयारी है, पूरा एक प्लान है और उसके तहत काम हो रहा है। लगातार मुख्यमंत्री जो है वो सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी पर भी अंकुश लगाया है उन्होंने। उन्होंने हर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ में ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग करने के लिए कहा है। अभी 2 दिन पहले जो मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है उसमें साफ साफ कहा है कि आपको जनप्रतिनिधियों को जिले का ब्यौरा देना पड़ेगा, उनके साथ बैठक करनी पड़ेगी, जिले की क्या समस्याएं हैं, हर जो यहाँ का उत्पाद है, जो यहाँ का विकास का जिले का है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और योगी जी लगातार हर जिले को, उन्होंने पूरे पूरे जितने जिले वाइज है, जितने भी जिले हैं उनके सबके डीएम के नंबर जो है वो पूरे पूरे वो कर दिए हैं, सारे जिलों के जो डीएम है उनके मोबाइल नंबर सबको अवेलेबल है, उसके बाद में खुद मुख्यमंत्री और जो उप मुख्यमंत्री उनके नंबर अवेलेबल है। तो सारी चीजें जो है पूरी पूरी तरह से पारदर्शी रूप से काम करने की एक जो है वो संदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर जो है 2.0 में सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, सक्रिय है और वो लगातार काम कर रही है। और जहां तक रोजगार की बात है, रोजगार जैसे कानून व्यवस्था अगर पटरी पर है तो निश्चित रूप से कई समस्याएं अपने आप में एक समाधान की ओर आती है और उसके बाद में रोजगार सृजन की भी संभावना ज्यादा होती है। अब ग्राउंड जीरो सेरेमनी होने जा रही है, 100 दिनों बाद पता चलेगा कि कितना यहाँ पर निवेश आया और किस तरह से स्थानीय स्तर पर। मुख्य मुद्दा यह है कि यहाँ के जो छोटे कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, लघु दुकानदार हैं, जिनकी छोटी छोटी रोजमर्रा की जो दुकानदारी है वो किस तरह से अपने आप को विकसित करते हैं, जो एक युवा है जो पास आउट होकर निकला है उसको रोजगार के लिए कहाँ यूपी में नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सरकार अगर इस दिशा में काम करती है तो निश्चित रूप से 2024 तक एक बड़ा संदेश जाएगा और ये संदेश होगा कि सरकार जो है वो जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर रही है या उनका ध्यान रख रही है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल रहेगा, 100 दिन बाद इस पर जरूर बात होगी।